अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चाल है? तो भाई जान, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे, मतलब जितने भी पैड्स हैं आपके पास, जितने भी पैड्स आप लोगों ने डाउनलोड किए हैं, मतलब बहुत सारे पैड्स हैं और आप बहुत चाहते हैं कि बहुत सारे पैड्स हम इकट्ठे इंस्टॉल करना चाहें। मतलब आपके पास 7 पैड्स हैं, 8 पैड्स हैं, वो सब आप चाहते हैं कि आप इकट्ठे इंस्टॉल करें एक ही बार में। आपको ऐसे नहीं कि एक एक करके आपको एड ऑन पैड के ज़रिए इंस्टॉल करने पड़े, तो ऐसे आपका नहीं होगा। तो आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि वो सारे के सारे 7-8 पैड्स जो हैं उनकी OIV फाइल क्रिएट करेंगे, जिसको डायरेक्ट ओपन IV के अंदर आप जो है पेस्ट कर कर, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट उसकी OIV फाइल फेंकेंगे, इसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। तो इस तरीके से भाई मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो जल्दी से मैं अभी चलते हैं वीडियो की तरफ, क्योंकि वीडियो लंबी ना करें। एडिट मोड सबसे पहले इसका हम ऑन कर लेंगे, इसे मिनिमाइज कर देंगे और बताते चलूँ कि आपको इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मतलब किस किस चीज़ से आपको करना पड़ेगा ये सब। तो भाई सबसे पहली मेन चीज़ जो है एड ऑन पैड OIV जनरेटर। तो इससे आपके जो पैड्स हैं ना वो OIV में क्रिएट हो जाएंगे, मतलब वो इजीली मतलब OIV में क्रिएट हो जाएंगे। तो ये जो है ना, मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और इस जगह का मतलब वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा है मोड मेन्यू, जिससे आप ये ओपन करेंगे, मतलब इस मोड के ज़रिए से आप इन्हें ओपन कर पाएंगे, मतलब पैड सेलेक्टर उसके अंदर होता है, उससे आप ओपन करेंगे। NIV मोड है, इससे करेंगे। और उसके बाद मैं ये 2 पैड्स जो है ना इकट्ठे इंस्टॉल करूँगा, मतलब एक ही बार में इंस्टॉल करूँगा। ये एक मतलब ब्लड ड्रैगन है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जिन का जामा एक ये है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई जान। तो इसी तरह आप ये पैड्स भी इसके साथ इकट्ठा कर सकते हैं, ये जो भी हैं मतलब पैड्स हैं सारे आप इकट्ठे कर सकते हैं। तो इन्हें मैंने डाउनलोड ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए, तो मैं आपको इनकी डाउनलोड करने के बजाय मैं आपको डायरेक्ट चलता हूँ कि इन्हें मतलब कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को डाउनलोड कर लेंगे भाई। इनको तो आपका पता ही होगा, सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करते जाएंगे तो ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, सही है। और उसके बाद आगे NIV मोड मेन्यू है, तो उसे भी आपने यहीं पे मतलब यहाँ से क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भाई ये भी डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक, देखिए अब वो आ गया, और इस तरीके से इस पर आपने क्लिक किया तो ये भी अभी आ जाएगा। इस पर भी डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका, देखिए ये भी आ गया मतलब। और ये भी आपके इस पर क्लिक करेंगे तो अभी आ ही जाएगा, देखिए वो ये भी आ गया, मतलब एड ऑन पैड OIV क्रिएटर देख सकते हैं आप। तो ये चीज़ें हो जाएंगी, ये मेरे पास पहले इंस्टॉल हुए पड़े हैं, तो इस वजह से जो है ना मैं आपको डायरेक्ट वहीं पे लेके चलता हूँ। तो आप ये देखिए मेरे पास ये 2 मोड्स हैं, एक रेवन वाला, ये देखिए एक ये फोल्डर है, और दूसरा अभी यहाँ से हम दोबारा चलेंगे, मतलब दोनों को जो हमें इंस्टॉल करना है। बे मीम्स में क्यों जा रहा हूँ मैं, मीम्स को मैंने क्या करना है बे। इंपॉर्टेंट थिंग्स GDFI मोड। और जल्दी से हम चलेंगे करेक्टर्स में, और यहाँ पर हमारा जिन का जूमा आ जाएगा। ये जिन हमारा है, मतलब जिन का जूमा है, उसका नाम यही रखा हुआ था। तो इन दोनों को मिनिमाइज कर लेंगे, ये 2 मोड थे हमारे। तो अभी क्या करना है आपको, ओपन IV नहीं सॉरी, आपको जाना है GDFI, मतलब जहाँ पे आपने वो इंस्टॉल किया था एड ऑन पैड जनरेटर। तो मैंने उसे यहाँ पे रखा था, तो उसे मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो ये मुझे मिल गई। तो फर्स्ट में हमारे पास सिर्फ ये वाली चीज़ें होती हैं, मतलब ये चीज़ें होती हैं, तो ये मेरे मतलब पहले ही मैंने कर रखे हैं। तो आपको एड ऑन पैड जनरेटर को जो है ना रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है और यस कर देना है। उसके बाद ये आपका आ जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, एड पैड फाइल्स करनी है, और आपके पास ये देखिए ब्लड ड्रैगन आ गया। इसे आप इसकी एक फाइल को सिर्फ आपने क्लिक करना है, ओके कर देना है, दोबारा एड पैड करना है, और रेवन करेक्टर्स ये जिन आ गया, जिन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जिन भी आ जाएगा। ये ऑटोमेटिकली मतलब आपके पिक कर लेता है दूसरी इसके साथ की फाइल, देखिए अब इसने सारी रिकॉग्नाइज कर ली है यहाँ से, और जिन की भी यहाँ से सारी रिकॉग्नाइज कर ली है। मतलब अगर आप इसे मेल बनाना चाहते हो यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर दें, अगर आप इसे फीमेल बनाना चाहते हैं फीमेल सेलेक्ट कर दें, इस तरीके से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको बता देगा अगर कोई आपके पैड के अंदर कोई मसला होगा ना, वो भी बता देगा कि आपका ये जो फाइल है ये गलत है। ये भी ये देखिए नो एरर, नो स्ट्रीम पैड्स, नो एरर, मतलब ये कोई एरर वगैरह नहीं है। तो दूसरा काम आपको सिंपली इसको OIV में क्रिएट करना है। यहाँ पर आप इसके नेम दे सकते हैं, तो मैं इसे अभी जनरेट OIV करता हूँ, और सिंपली देखिए अभी यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पे अभी आया होगा मतलब पैड्स ब्लड रेवन रिजल्ट, अभी यहाँ पे ब्लड रेवन DLC नेम, ब्लड रेवन एक्स PUBG, तो ये अभी आ चुका है, ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। तो ये देखिए इसकी OIV फाइल ये रही, और इसके सूट्स मतलब यहाँ पे अगर कोई सूट्स हो वो भी आ जाते, तो OIV फाइल हो गई यहाँ से। तो सिंपली अब आपको क्या करना है, मतलब अभी आप वो मैं सबसे पहले NIV मोड मेन्यू जो है ना उसको इंस्टॉलेशन का बता देता हूँ। तो उसको भी बहुत 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 ईजी है भाई, बहुत ईजी है, उसको भी सिंपली यही OIV से ही इंस्टॉल करना है। तो अभी यहाँ पे NIV मोड मेन्यू इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, तो ये देखिए इंस्टॉलेशन के अंदर ये OIV में आपको मिल जाएगा, इसे ओपन करना है, और आपने ड्रैग एंड ड्रॉप इसके अंदर, तो इस तरीके से ये आ जाएगा, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, मैंने पहले ही इंस्टॉल कर रखा है।
तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मतलब अब हमारी बारी आती है वो मोड्स इंस्टॉल करने के, वो मतलब OIV कैसे इंस्टॉल होंगी, वो जो हमने अभी क्रिएट्स की थी पैड जनरेटर से, तो वो भी अभी ऐसे जाएंगे तो हमारी फाइल यहाँ पे मौजूद थी भाई ये वाली। हाँ तो ये देखिए OIV ऊपर वाली है, मतलब .OIV, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इंस्टॉल कर देंगे। तो भाई इसे भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी। तो अभी हम चलते हैं गेम के अंदर। हाँ तो भाईजान हम गेम में आ चुके हैं। तो गेम में आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली भाईजान आपको प्रेस करना है CTRL, मतलब शटल कहता हूँ मैं ऐसे, वैसे ये होता पता नहीं क्या है, मतलब जो भी होता है भाई विंडो वाले बटन के साथ ही होता है, मतलब मैंने आपके नीचे शो भी करवा दिया। तो इसे प्रेस करना है और साथ में आपको एन प्रेस करना है। तो आपका इस तरीके से NIV मोड मेन्यू ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर मतलब पैड सेलेक्टर में जाना है, मतलब बहुत सारे मोड होंगे। अगर आप पावर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसका बता दीजिएगा, तो उसकी भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो पैड सेलेक्टर पे आपको करना है सिंपली क्लिक, मतलब येस करना है। ओके क्लिक करने के बाद आपके पास, मतलब मैंने ये सारे मोड एक ही बार में इंस्टॉल किए थे, मतलब इनका मैंने एक ही उसी तरीके से मतलब एक एक सेलेक्ट करता गया। हैरली का भी एक सेलेक्ट किया, जिन का भी एक सेलेक्ट किया, टॉमी का भी एक सेलेक्ट किया। तो भाई ये सारे मेरे आ गए, मतलब अभी जैसे हमने इंस्टॉल दो इंस्टॉल किए थे वो तो मतलब ब्रेड रेमन एक्स मैंने ये जैसे डाला था, और साथ में इसके मैंने एक डाला था जिन। तो ये मैं यार जिन रहा, तो भाई ये जिन आ गया, सही है। अरे वो तू कहाँ भागा जा रहा है? अच्छा इसका मालिक जो हमने चेंज कर दिया भाई, तो इसने भागना ही है। अच्छा तो और इसके साथ साथ इसी तरह मैंने टॉमी के जो मोड थे वो भी मैंने बिल्कुल इसी तरीके से इंस्टॉल किए थे भाई। सही हो गया भाई। तो इस तरीके से आप इसे डिफरेंट मतलब पैड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो भाई अच्छी लगी हो और बहुत दिल लगी हो तो भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, लव यू, हो गया।